रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर और इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी के उत्तर प्रदेश रोडवेज संविदा कर्मचारी संघ से, जहां अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं विशाल धरना प्रदर्शन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। कई वर्षों से अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हुए संविदा कर्मी लगातार लगा रहे हैं सरकार से गुहार, लेकिन नहीं हो रही उनकी सुनवाई। तो वहीं हम आपको बता दें कि प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के दफ्तर के बाहर सड़कों पर बैठे हैं संविदा कर्मी और बता रहे हैं अपनी समस्या। किस तरीके से उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के बर्खास्त संविदा परिचालकों को अपनी सेवा अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें बहाली को लेकर कर रहे हैं मांग। वहीं आपको बता दें कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से भी उन्होंने वार्ता की, लेकिन कोई इसकी समस्या का हल नहीं निकला है और इसके बाद सड़कों पर बैठ गए। वहीं आइए डालते हैं एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां उन्होंने जाना संविदा कर्मियों का दर्द कि आखिरकार क्या है उनकी समस्या, आखिरकार क्यों नहीं हो रहा उसका समाधान। आइए डालते हैं एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हंगामा टाइम्स। समय उत्तर प्रदेश रोडवेज संविदा कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये कल से स्टार्ट है और आज दूसरा दिन है। जानते क्या मांगे हैं और ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा और मांगों के बारे में जानते। आपका नाम क्या है, परिचय के साथ? अरुण कुमार पांडे, मैं परिचालक उत्तर प्रदेश रोडवेज संविदा कर्मचारी संघ का पदाधिकारी हूँ। हम अपनी मांगों को लेकर के अनुरोध शांतिमय तरीके से हम अपनी मांगों को विभाग के प्रमुख रखेंगे। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी और कब से ये हम लोग तो निलंबित 2012 से चल रहे हैं, 2012, 13, 14, 15, बल्कि 10 से कहिए 2010 से हम लोग लगातार इस अनुरोध कार्यक्रम को उठाते रहे। पिछले योगी सरकार 2017 में बनी है, तब भी हमको आश्वासन दिया गया, माननीय राज्यपाल राम नाईक जी ने भी आश्वासन दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, ये इस समय जो आनंदीबेन पटेल हैं हमारी राज्यपाल महोदया, इन्होंने भी आश्वासन दिया। इतने परिवहन मंत्री आए लेकिन हम लोगों की बातों पर कभी भी विचार नहीं किया गया। हम लोग 12, 15 साल, 18 साल, 10 साल, 15 साल नौकरी करने के बाद निष्कासित हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, जिससे विभाग की भी क्षति हो रही है और हम लोग भी भुखमरी के कगार पर हैं। अच्छा, वो छोटी बातें क्या हैं? छोटी बातें हैं कि जैसे मतलब किसी पर आरोप दे देना, मिसबिहेव का आरोप दे देना, WT का आरोप लगा देना, जिसका इनके पास कोई प्रमाण नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। इनके अधिकारी, इस विभाग के तमाम अधिकारी, आरम और यारम स्तर के अधिकारी रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होकर के जेल भी गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं और हम लोगों को झूठा आरोप लगा करके और निष्कासित कर दिया गया। अच्छा, कितने लोगों का अलग अलग जिले से आए हैं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश से कर्मचारी सब आए हुए हैं? उत्तर प्रदेश में इस समय लगभग कम से कम 26,000 से ज्यादा कर्मचारी पीड़ित हैं। अभी कितनी संख्या होगी? अभी हमारा स्ट्रेंथ कम से कम 400 का है, लेकिन लोग खाने के लिए तमाम अपने दूर दूर से जिलों से आए हुए हैं। किसी के रहने और खाने का विभाग ने से हम लोगों ने परमिशन लिया था, बाकायदा अनुमति मांगी थी, लेकिन इन लोगों ने हमको विभाग के अंदर भी घुसने नहीं दिया। अब हम लोग गेट पर धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? अनवरत, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम लोगों को बहाल नहीं किया जाएगा, हम लोगों को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा, तब तक यहाँ से कोई उठने वाला नहीं। किसी ने संज्ञान लिया, बात करने आया? माननीय परिवहन मंत्री के द्वारा कल हमें आश्वासन दिया गया कि आज हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे। तो आप कब यहाँ से उठेंगे? आपको क्या लगता है कि कब? जब तक नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर दम है तब तक हम यहाँ पर अनवरत बैठ करके इस मांग को रखते रहेंगे और जब सरकार की इच्छा होगी तब हम करेंगे। तो ये वो लोग, तो और लोगों से बात करते, क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद त्रिपाठी। कहाँ से आए हो? ऊंडा से। जी, दो दिन से आप यहीं बैठे हो?
हाँ दो दिन होगा, दो दिन से बैठे हैं अभी, जब तक बहाली नहीं हो जाएगी तब तक हम बैठे रहेंगे। सब लोग भूखे बिना खाना, हम लोग बिना खाना पीना का बैठे हुए हैं। बहराइच से आए, देवीपाटन रेंजर से आए हैं, हमको लोगों को बिना टिकट के उसमें निकाल दिया गया, पेनल्टी भी ले लिया गया, हमारी 10,000 सिक्योरिटी भी जब्त कर ली गई और हमको विभाग से निकाल दिया गया। एक केस में हमको 3 वर्ष 3 सजा दी गई है, जबकि केस में 3 वर्ष, हाँ 3 सजा दी गई है। हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से हम हटेंगे नहीं। आपका क्या नाम है भैया? राकेश दीक्षित मेरा नाम। आप कहाँ से? देवरिया डिपो से हूँ। आपकी क्या मांग? पूर्व संविदा परिचालकों को बहाल करने की मांग है हमारी। ये 10-12 वर्षों से निकाले गए हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, कई तरह का दंड दिया गया। इनका दोष बस यही है कि इनके बस में जो गुंडे चढ़ जाते हैं, जो शराबी चढ़ जाते हैं, उनको ये टिकट नहीं बना पाते हैं, परेशानी होती है। इस परिस्थिति में चेकिंग दल आकर इनको सजा नोट कर देता है और ये सजा याफ्ता बनाए गए हैं, बड़े अपराधी हैं ये। अपनी नौकरी छोड़कर सड़क पर घूम रहे हैं, दो दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कल मंत्री जी ने कहा था कि आपके बारे में अगले दिन बात करेंगे, और जीएम साहब आए थे, इनसे भी कुछ नहीं हो पाया, गए हैं अपना ये भी बात करने, अभी तक कुछ नहीं हुआ। दो दिन से भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं, जब तक बहाली नहीं होगी तब तक यहाँ सब लोग पड़े रहेंगे। अच्छा, ये सब लोग आप लोग 2010 से वाले हैं, उसके बाद 14, 15, 18, 19 2010 से हैं, लाइन में लगे हैं। ये जो निकाले जाते हैं आप लोग लाइन में लगे रहते हैं, और कोई बोलना चाहे? हम बांदा डिपो चितपुर शहर से आए हैं, हम लोग 10-15 लोग आए हैं। समस्या हम लोगों की वही है, परिचालक है जो शोषण होता है अधिकारियों की तरफ से हम लोगों का। अब गाड़ियां लिखी गई 10 साल पुराने केस, वो निकाल करके 10 साल में अधिकारी AR में रहे, उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? और 10 साल से बराबर कंटिन्यू हम लोग नौकरी कर रहे हैं, 17 साल 18 साल हो गए, और हमारी उम्र जो है 58 साल की है, अब हम 2 साल कहाँ जाएँ? अच्छा, सैलरी कितनी थी पहले? पहले हम 25 पैसे में भर्ती हुए थे, 35 पैसे में, उस समय 1500 रुपये मिलते थे, अब इस समय जो है 1 रुपया 65 पैसे में हम लोगों की सैलरी 10,000 रुपया, ड्यूटी जितनी मिलती है उतने किलोमीटर के हिसाब से पैसा मिलता है। कोई आप लोगों में से किसी पैसे से मिल रहा है? किसी को कुछ नहीं मिल रहा, निकाल दिया और गलत तरीके से निकाला, कोई जांच नहीं। घर परिवार कैसे चला रहे हैं? भुखमरी कगार में हम लोग, न बच्चों की शादी ब्याह कर पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं, यही एक जरिया था। और लोग पीछे हैं, जानते हैं क्या नाम है? क्या नाम है भैया आपका? राम संभार। कहाँ से? सुल्तानपुर। क्या मांगे हैं, क्या कहे कि आप कैसे निकले? संविदा बहाल कर। अच्छा, क्या हुआ था? WTC। क्या नाम भैया आपका? राम जागर। कहाँ से आए हो? अमेठी डिपो। क्या कहना चाहो? संविदा बहाली के लिए हम लोग आए हैं। हाँ, दो दिन से आप लगातार यहीं पर बैठ। तो ये आपको जैसे मैंने दिखाया स्क्रीन पे, ये सब अलग अलग जिले से हैं, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह है, बांदा जिले से आया हूँ। हम बरेली से हैं। कुशीनगर से हैं जी। बांदा डिपो चित्रकूट रीजन। बांदा डिपो परिचालक। मुरादाबाद डिपो। स्क्रीन पे अभी जैसे मैंने दिखाया है, पूरे यूपी से, पूर्वांचल से, उत्तराखंड से, पूरे। तो ये यूपी के हर जिले, जैसे मैंने स्क्रीन पे सभी से पूछाया है, सब लोग अलग अलग जिले से आए हुए हैं, कोई एक जिले से नहीं, सभी अलग जिले। सबकी मांग यही है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे वो बहाल हो, और ये सब दो दिन से लगातार बैठे हुए हैं, इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, तो वो लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि वो 2010 से स्टार्टिंग है सबकी, और जब से इनके साथ शोषण हो रहा है, अब जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स, सर दुनिया देश की जो छोटे छोटे कोनों में जो खबरें हो रही है वो सब आपको हंगामा टाइम्स में दिखाई दे रही है, तो बने रहिए हंगामा टाइम्स से। नमस्कार।